मोलर सॉल्यूशन ऑफ क्यूएच इन वाटर कंटेन्स 30% बाय मास ऑफ क्यूएच, कैलकुलेट द डेंसिटी। अब हमारे लिए तो आसान है, डेंसिटी बतानी है, मोलैरिटी है और दोनों चीजें गिवन है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 dx अपॉन मोलिकुलर वेट। ये हमारा फॉर्मूला था, मोलैरिटी इज 10 dx अपॉन मोलिकुलर वेट। यहाँ मोलैरिटी भी गिवन है, KOH है तो मोलिकुलर वेट भी गिवन है, और 30% में है तो वो x वेट परसेंट भी गिवन है। तो 6.9 मोलैरिटी रख लीजिए, 10 डेंसिटी निकालनी है, 30% है, KOH 56 होता है ना, 39, 40, 16, 56। तो डेंसिटी इज 6.9 मल्टीप्लाइड बाई 56 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, और 30 से 3, 3 2 times 6, 3 3 times 9, और दो जीरो और आ जाएंगे, और 50 to the 100 मतलब ये 56 को 2.3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, जो भी आ रहा हो, 56 मल्टीप्लाइड बाई 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2, ये आंसर है। और एक अंदाजन अगर मैं कहूँ, 56 का डबल 112 होता है, फिर उसका 1/3 भी जोड़ना है नियरली, मतलब 112 नियरली 150 के आसपास इंटू 10 की पावर -2, तो 1.5 के आसपास आंसर होना चाहिए नियरली, ठीक है। तो ये रहे इसकी आंसर की, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, वो ठीक है 1.29 आ रहा है, वो आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मुझे 1.5 दिख रहा था, वॉट एवर 6.9 30%, कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, कोई डाउट है नहीं है। नेक्स्ट, अब हम मूव कर रहे हैं ट्यूटोरियल 2 में, और इसमें ऑब्वियसली शुरू में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो अच्छे भी हैं, फिर आपके न्यूमेरिकल्स हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो बेसिकली व्हाट रोल का क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ हमें बताना है कि अल्कोहल और वाटर जब मिक्स करते हैं तो जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है वो कौन सा इंट्रैक्शन है। ऑब्वियसली वंडरवॉल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट वाटर में पहले 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे, वेरी गुड करते, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर की वजह से, और अल्कोहल में कम होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और जैसे ही इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते जाते हैं, वेरी गुड, तो ये वीक होते जाते हैं और इसलिए ये पार्टिकल्स दूर होते जाते हैं, और इसलिए इस इंट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है। तो व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन प्ले, तो आप कहेंगे ड्यू टू वीकर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन देन बिफोर, शुरू में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था उससे कम हो रहा है, ड्यू टू वीकर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन पॉजिटिव डेविएशन। तो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन वीक होने से हुआ क्या, उस रोल से हुआ क्या, देन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो ये पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन वहां की शीट है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इफ 1 tablespoon ऑफ शुगर इज एडेड टू इट। अगर आपने पानी में चीनी डाल दिया है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा वेदही, दैट इज जैसे ही शुगर डालेंगे, वेरी गुड अभिषी, तो वो सरफेस पे आ जाएगा और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं शुगर इज ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड इट कम्स ऑन द सरफेस एंड हिंडर्स द मूवमेंट ऑफ वेपर ऑफ वाटर, देयरफॉर वाटर वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ये अगर 1 marks का है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस लिखने वाले बच्चे को भी 1 marks मिलेगा, एक्सप्लेन करने वाले को 1। क्यों, व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर, खाली ये पूछा है, वाई तो लगा ही नहीं, लेकिन ये एग्जाम नहीं है, हम इसके आगे और पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम अगर होता है ना तो एग्जाम में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में, वेरी प्रिसाइजली आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसमें वाई लिखा है या नहीं लिखा है, एक्सप्लेन लिखा है या नहीं लिखा, नीड नॉट टू वेस्ट टाइम, वहां बहुत ज्यादा कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा है व्हाट हैपेंस दिस और आपने सिर्फ लिखा ना आंसर सेकंड डिक्रीजेस, तो आपको पूरा नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन 1 number में इतना छोटा नहीं पूछते, कम से कम 2 चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाई और लगा होगा और वाई में आपको लिखना पड़ेगा शुगर इज ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इट कम्स ऑन सरफेस, देयरफॉर सरफेस एरिया डिक्रीजेस या वेपर प्रेशर डिक्रीज। तीसरा क्वेश्चन है, Why does the use of pressure cooker reduces the cooking time?
अब यहाँ why लिखा है, why does the pressure cooker, बहुत बढ़िया, तो आप कह सकते हैं very nice, आप इसमें बिल्कुल सही कहेंगे, boiling point depends on atmospheric pressure and in the cooker pressure there is no atmospheric pressure या there is no such relation of atmospheric pressure, therefore all the energy consumed, जो भी energy हम देते हैं, all the energy consumed to cook the food stuff, जितनी भी एनर्जी देते हैं वो बॉयल करने के लिए या उस वाटर को वेपर में चेंज करने नहीं जा रही, वहां कोई बॉइलिंग पॉइंट है ही नहीं बेसिकली, वो तो खाली पार्टिकल तोड़ते जा रहे हैं, गैस बनती जा रही है और हीट भी होती जा रही है, तो सारी एनर्जी उसी के अंदर है. तो व्हाई डज कुकर प्रेशर या यूज ऑफ प्रेशर कुकर रिड्यूसिंग द कुकिंग टाइम, इट इंक्रीजेस बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, और देयरफॉर ऑल द एनर्जी इज कंज्यूम टू कुक द फूड, तो जितनी एनर्जी दे रहे हैं कोई वेस्ट नहीं है, सब कुक करने में जा रही है, therefore it reduces cooking time, सारी energy food को मिल रही है. Why is the vapor pressure of liquid is constant at a temperature? Why is the vapor pressure of a liquid is constant at a temperature? तो आप कह सकते हैं vapor pressure is the pressure which is exerted at equilibrium. ठीक है, तो जब equilibrium पे vapor exist करती है या equilibrium आ जाता है उस समय का pressure vapor pressure है. ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे तो वेपर प्रेशर भी कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है, दूसरी तरीके से कह सकते हैं, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट तो जो फोर्सेज हैं या जो एनर्जी है वो उस समय की कॉन्स्टेंट है, देयरफॉर इक्विलिब्रियम मेंटेन है. अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम वर्ड का यूज करके ही आंसर करें तो अच्छा है. फिफ्थ क्वेश्चन, टू लिक्विड ए एंड बी आर मिक्स एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी कूलर, व्हाट डू यू डेविएशन बताना है. तो आपको क्या कहना है, अगर दो लिक्विड आपने मिक्स किए हैं और वो कूलर अपीयर हो रहा है तो वेरी गुड, तो वहां बाहर से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वेरी गुड, इट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है. उल्टा सोचो जल्दी समझ में आ जाएगा, पानी और H2SO4 को जब डाइल्यूट किया जाता है पानी रख के ड्रॉप बाई ड्रॉप H2SO4 डालते हैं, हीट निकलती है, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है, जबकि यहाँ एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती थी, हीट अप हो जाता था सॉल्यूशन, और एंडोथर्मिक में कूल अप हो जाएगा, तो यहाँ एंडोथर्मिक है, वेरी गुड. कोई एग्जांपल देना चाहे तो वो भी दे दीजिए, इथाइल अल्कोहल वाटर, मिथाइल अल्कोहल वाटर, लाइक मिक्सिंग ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म टेक्स प्लेस विद द रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, वाई या व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो भैया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये मैं अभी आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, वेरी गुड, नेगेटिव आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, तो ये अभी आप आगे भी पढ़ेंगे. ये ऑर्गेनिक का है बेटा बेसिकली, कि इस चीज को हम कहते हैं एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है और ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3. जब बेटा इनको हम एड ऑन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है और इस कार्बन से O पे H आ जाता है, यहाँ CCl3 आ जाता है. And this compound is known as chloritone. इसे chlorine या chloritone कहते हैं, sorry. तो chloritone क्या है? एक hypnotic drug है. तो chloroform और acetone जुड़ जाते हैं. यानी ये दो चीजें जो पहले अलग अलग exist कर रही थी, दो molecule की तरह अलग अलग, और बाद में ये एक ही molecule की तरह exist कर रही हैं, react कर गई हैं. तो basically ये mixture नहीं, सही बताऊं तो compound ही बन गया है. और ऑब्वियसली कंपाउंड अगर प्रैक्टिकली पूरा ना भी बने तो भी हम ये कहेंगे शुरुआत के मुकाबले, मतलब प्योर एसीटोन प्योर क्लोरोफॉर्म के मुकाबले जब ये दोनों मिक्स किए जाते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है. और ये आपको याद रखना है, तो भी कंपटीशन में आता है क्लोरीटोन के बारे में, इट इज यूज्ड एज ए हिप्नोटिक ड्रग. ठीक है, हिप्नोटाइज वर्ड होता है ना, वैसे ही है हिप्नोटिक ड्रग. तो ये वर्ड हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का. क्वेश्चन नंबर दैट इज सिक्स की बात करें, मिक्सिंग ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये सॉरी हो चुका है सेवन, व्हाई इज लिक्विड अमोनिया इज बॉटल फर्स्ट कूल्ड इन आइस बिफोर ओपनिंग इट. ये इलेवेंथ का भी क्वेश्चन था, इलेवेंथ में भी आपने पढ़ा है, लिक्विड अमोनिया जो होता है इट हैज वेरी हाई वेपर प्रेशर. ठीक है, और जब हम कूल करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और अगर लिक्विड अमोनिया की बॉटल को अगर कूल नहीं किया, डायरेक्ट ओपन करेंगे तो वेपर तुरंत बाहर आ जाएंगी एंड इट मे आल्सो कॉज एक्सप्लोजन. और अगर बहुत ज्यादा कूल है
तो बॉटल अगर ओपन भी की तो वेपर्स बाहर ज्यादा नहीं आएंगी, तो इसलिए हम कहते हैं इट शुड बी कूल्ड फर्स्ट टू अवॉइड एक्सप्लोसिव रिएक्शंस और द वेपर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर, बेस्ट वे है। ठीक है, अब बेटा 8, 9 और 10 तीन न्यूमेरिकल है, चलिए जल्दी से 8 आप लोग सॉल्व करिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ अगर नहीं दिख रहा आपको। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एट 310 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.158। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है कोई ए नाम का लिक्विड है, 0.158 जो भी यूनिट है वो देख लेंगे, और टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है 310 है या क्या है। ठीक है, 310 बार। द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड सॉल्यूशन विद बी इज 0.95 बार। ठीक है, तो ए एंड बी के मिक्सचर का प्रेशर है 0.95 बार। तो ये समझने में अभी तक जो आ रहा है वो ये आ रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ अभी पॉसिबल हैं, ए जो हो वो प्योर सॉल्वेंट हो और बी जो हो वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो और वो वेपर प्रेशर कम कर, अभी ये भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है प्योर ए का 0.158 है, 0.158, अरे नहीं यार सॉरी मैं गलत बोली, एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लूं, 1.58 तो नहीं है, 0.158 ही है, अरे यार वहां गलत है, 0.095 है, सॉरी 0 हो गया, तो 0.1 से 0.0 कम हो गया। तो पहली पॉसिबिलिटी तो वो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला था इसलिए कम हो गया। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बी भी वॉलेटाइल हो और उसका बहुत ही कम हो, जैसे यहाँ 0.158 है वो 0.005 हो, अब दोनों को मिक्स करेंगे तो इनके बीच में ही आंसर आएगा, तो इससे कम ही आएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ सॉल्यूशन ऑफ, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इफ द मिक्सचर ओबेज राउल्ट्स लॉ। बेटा अब जरा यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही किया एक दो बच्चों ने। ट्रिकी क्वेश्चन क्या है बेटा, ये भी लिक्विड बी कहा है, मैं रुक जा, ये भी लिक्विड बी कहा है, ये लिक्विड ए कहा है, और दोनों ही अगर लिक्विड कहे हैं और कहीं नॉन वॉलेटाइल का कोई जिक्र ही नहीं है, और अगर लिक्विड है तो दोनों उड़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ऑर्डिनरी वॉलेटाइल मिक्सचर का फॉर्मूला यूज करना है। वॉलेटाइल मिक्सचर का फॉर्मूला कैसे हम यूज करते हैं, आई होप सो आपको याद आ गया होगा, टोटल प्रेशर पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। एक बच्चे ने आंसर बता ही दिया है, एक बार मैं फिर से एक वर्ड चेक करना चाह रहा हूँ, वॉलेटाइल तो लगता हुआ लग नहीं रहा मुझे, है नहीं? द वेपर प्रेशर बेटा, हाँ वॉलेटाइल अगर लिक्विड मानते तो हमें एक चीज की और जरूरत होती ना। हाँ बेटा, एक बच्चे ने आंसर दिया है 0.6। अबे आंसर तो तुम यहां से भी देख के दे दोगे, है नहीं तो चलो जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ सेकंड। ठीक है, एक मिनट बेटा, किसने आंसर दिया था 0.6, एक बच्चे ने आंसर बोला था, कौन सा बच्चा हमने आप ही बता दो, ओके आदित्य, बेटा आदित्य बताइए, आदित्य अनम्यूट होके बेटा प्लीज एक्सप्लेन करो इसे जल्दी से कि आपने इसे नॉन वॉलेटाइल मान लिया है क्या, बी को आपने राउल्ट्स लॉ को वॉलेटाइल लगाया या नॉन वॉलेटाइल लगाया। क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन कहा है, अब आदित्य बोल नहीं रहे, ओह माइक नहीं वर्क कर रहा आपका, कोई बात नहीं बेटा, चलिए आप यहीं पे टाइप खाली कर दीजिए कि आपने नॉन वॉलेटाइल मान लिया है या वॉलेटाइल माना है, कैसे किया है। राउल्ट्स के दो लॉ होते हैं, भले दोनों लॉ एक ही लॉ से डेरिवेट आ सकते हैं, लेकिन आपने कैसे किया जल्दी बताइए। चलिए चलिए टाइप कर लीजिए, टाइम लगेगा मुझे मालूम है आपको।
क्योंकि अगर ये मैं वॉलेटाइल मान रहा हूं ना, तो वॉलेटाइल मानने में मेरे पास एक और पॉइंट आ रहा है, अगर मैं बी को वॉलेटाइल मान रहा हूं, पी नॉट बी भी तो चाहिए होगा, तभी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूंगा मैं, ठीक है। मतलब दो अननोन कैसे सॉल्व किए जाए, तो यहां पे हम ये मान लेते हैं कि ये नॉन वॉलेटाइल का अगर क्वेश्चन है तो प्रेशर ऑफ ए इज, अरे यार ये ए का ही प्रेशर है, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है बेटा एक मिनट मैं एक बार ये लैंग्वेज फिर पढ़ता हूँ, मुझे लग रहा है ये बच्चा सही कह रहा है कि मैंने लैंग्वेज पढ़ने में गलती की है, वेरी गुड द वेपर, हाँ बिल्कुल सही, सॉरी बेटा आप सही कह रहे थे, वेरी गुड आदित्य, मैंने ना ये वाला वर्ड नहीं देखा, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, दिस लिक्विड, ओहो वेरी सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड। अब देखिए गलती मैंने कहा कि एक वर्ड गलत पढ़ने से मैंने लिख दिया इन दोनों का सम, इनका और इनका सम इतना है, ये नहीं कहा, ये दे रखा था पी ए, वेरी गुड, दोनों बच्चे सही हैं जिनके आंसर आए हैं, तो पी ए ये है, पी नॉट ए ये है, घटिया क्वेश्चन है, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ गया, वेरी नाइस आदित्य और जो भी एक दो बच्चों ने किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये आ गया, और ये एबीसी का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ये है नॉन वॉलेटाइल का, वही वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से रेज योर हैंड, जल्दी बताइए, नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, इथाइल एसीटेट हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 72.8 टॉर, इथाइल एसीटेट का प्योर स्टेट वेपर प्रेशर 72.8 टॉर ऑफ एचजी है, इथाइल प्रोपोनोएट हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 27.7 टॉर, assuming the mixture obeys Raoult's law, 25 gram this and 50 gram this, so 72.8 27.7 ठीक है 25 50 72.8 ठीक है, ये रहा बेटा इथाइल एसीटेट CH3COO COO C2H5 और इथाइल प्रोपोनोएट C2H5 CH3 CH2 COO, एक के शायद 25 ग्राम लिए हैं और एक के शायद 50 ग्राम लिए हैं, एक शायद 27.7 टॉर है ना, और एक है आपका दैट इज 72.8 है ना, ये है 72.8 टॉर, और मिक्सर का प्रेशर पूछा है, आई होप तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, पहले मोल फ्रैक्शन निकाल के फिर करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, इथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूलर एसिटिक एसिड का होता है 60 में इथेन का 30 जोड़ना है, 90 हो गया ना लगभग, 88 दो कम हो जाएगी ना, एक एच इधर का कम एक एच इधर का, 88, तो आई होप सो इसका मॉलिक्यूलर वेट 88 आना चाहिए, चेक कर देता हूँ, 12 थ्री टाइम्स 36, ऑक्सीजन 2 टाइम्स 32, हाइड्रोजन 8 टाइम्स, ठीक है 6, 8, 14, 2, 16, अरे कहीं गलत तो नहीं कर रहा, 5, 3, 8 ये हैं, 1, 2, 3, 4, हाँ बेटा कार्बन 4 वाला, अरे यार कार्बन 4 है, जय तो है जय, 48, 32 and 8, 88 ही आएगा, ठीक है, तो ये मॉलिकुलर वेट 88 है, 88 में 14 जोड़ दो तो 102 आ गया, है ना, दैट मीन्स मोलर मास जो है वो नेक्स्ट मेंबर का 14 ज्यादा होता है, तो 14 ऐड कर दिया तो ये आ गया, तो इसका मोल फ्रैक्शन 25/88, ये 50/102, और अब टोटल प्रेशर अगर हमें निकालना है तो 72.8 मल्टीप्लाई बाय, इसका मोल फ्रैक्शन अलग से निकाल लीजिए ज्यादा अच्छा है, ये लोग जान मुझ के वैल्यूज बड़ी अजीब देते हैं, टाइम वेस्टिंग है ना, अब ये 50/102 है प्लस 25/88 है, ठीक है ये प्लस 27.7 मल्टीप्लाइड बाय, अब उल्टा कर लीजिएगा 50/102 डिवाइड बाय, यही रहेगा 50/102 प्लस 25/88, किसी बच्चे ने सॉल्व किया हो तो जल्दी से बता दे,
प्लीज पास. ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप तो कर रहे होंगे, और इसका आंसर आपका आ जाएगा नाइन्थ का है 44.25 करीब. ठीक है बेटा, पहले नाइन में कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो वन टाइप कर दीजिए जिससे मुझे पता लग जाए आप जग रहे हैं, आप नींद में नहीं है. ये ट्यूटोरियल सेकंड के 9 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए, इन 9 में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो वन टाइप करो. अविशी, कार्तिक, दो बच्चे तो जग रहे हैं. ठीक है वेदई, आंसर सही है 44, वेरी गुड. आर्यन, संजना, क्लियर हो रहा है, गुड. एंड वेदई, सौम्या, क्लियर हो रहा, गुड. ठीक है, तो ये जग रहे हैं, मतलब वन टाइप करवाने का मतलब यही था, आप सुन भी रहे हो या खाली मेरे नाम पे पर्ची कट रही है, कहीं और अटेंड हो रहा है काम, है ना, इसीलिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 10th एक लास्ट जल्दी से देखते हैं. एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मेड बाई डिजोल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो भैया 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम वाटर है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम वाटर और 32 पॉइंट, टेम्परेचर चेंज तो नहीं, 32.8, ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम वाटर, P0H2O 32.8. Vapor pressure of solution is P naught water multiplied by mole fraction of water. ठीक है, P naught water is 32.8, mole water के 5 दिख रहे हैं और ग्लूकोज के 10/180 है. ठीक है, 10/180 ये मोल है, 1/18, 1/18.05 आएगा शायद, क्योंकि 1000/18 हमें मालूम है 55.5 है, 30 पीछे कर लो तो 0.05 आएगा या 0.5 आएगा, वो चेक कर लीजिए, 0.05. तो ये आपका आंसर 32.8 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 5.05 लिख दिया मैंने, फिर भी आप एक बार चेक करेंगे. ठीक है, तो ऑब्वियसली 32.8 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि ये 0.98 है, इसलिए तो आपका आंसर 31 या 32.4 भी हो सकता है, somewhat. 32.4 भी. ये हुआ पहला ट्यूटोरियल खत्म, और सेकंड वाला नेक्स्ट है थर्ड ट्यूटोरियल. तो थर्ड ट्यूटोरियल का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पहला, विल द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम बी सेम इफ 0.1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड और 0.1 मोल ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, विल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम और नॉट. ठीक है, वेरी गुड, बच्चे तैयार बैठे हैं आंसर लिखने के, लिखिए जल्दी. अरे कार्तिक प्रथम, गुड बेटा, क्या कर रहा कार्तिक, इतना आसान क्वेश्चन गलत करेगा बेटा. 0.1 विशी, ऋषि, ये क्या बाकी सब नींद में हो क्या, अभिषी, अरुषि, कार्तिक, क्या सो रहे हो, हैं? वेदई सही है. अरे यार तुमसे ये नहीं पढ़ा गया कि यहाँ लिखा क्या है, हाँ क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड, क्या ये बताना पड़ेगा, NaCl होता है, और अगर ये NaCl होता है तो इसमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर लगना है, ये दो पार्टिकल में टूटेगा, ये का है, ये चुगल है, चुगल नहीं टूटती, चुगल नहीं टूटेगी, कौन टूट जाएगा, नमक टूट जाएगा, नमक नमक दो में हो जाएगा, पार्टिकल दूध में हो जाएगी, दूध नहीं, हद करते हो यार तुम सुबह सुबह, हैं? पहले का आंसर नो होगा, क्या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का सेम होगा इफ इतने मोल डिजोल्व इन वाटर, नहीं सेम होगा, NaCl वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे, और ये एक नया आया, शायद आप आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं बेटा आदित्य, कि शुगर जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए आयनाइज नहीं होगी, उसका पार्टिकल एक रहेगा, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयनाइज हो जाएगा और ऑब्वियसली उसके पार्टिकल दो हो जाएंगे, यस वेरी गुड. सेकंड बेटा, 2 ग्राम ईच ऑफ टू सोल्यूट ए एंड बी, ए हैज हायर मोलर मास देन 50 ग्राम इन द सॉल्वेंट और विच हैज मोर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी से बताइए विच हैज मोर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली आंसर आपका या तो ए होगा या बी होगा, इन दो में किसका ज्यादा है, आंसर टाइप कर दीजिए.
सेकेंड क्वेश्चन था, वेरी गुड वेदी, वेरी फास्ट एंड वेरी गुड। 2 ग्राम दोनों का लिया है, ए और बी का, 50 ग्राम वाटर में ऐड किया है, दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं और सेपरेटली ऐड करें, वेरी गुड। तो अगर बच्चों को याद है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एंड मोल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। बहुत सही विदई, बहुत। कार्तिक क्या कर रहा है बेटा तू, नींद मुंह हाथ धो के हट, हर क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा। ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, और अगर वेट सेम होगा तो मॉलिकुलर वेट के इनवर्सली। बी हैज लेसर मॉलिकुलर वेट तो बी हैज मोर मोलर मास। खुल गई नींद तेरी अब, वेरी गुड अरुषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। व्हाई इट इज एडवाइज टू एड इथाइलीन ग्लाइकोल इन कार रेडिएटर व्हाइल ड्राइविंग इन हिल स्टेशन। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन जब ना पूरा कोर्स हो जाता है तो याद आना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी तरीके से पूछा है। हिल स्टेशन कहा है, अब हिल स्टेशन में प्रेशर है, टेम्परेचर है, या और जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो और भी कुछ आ जाएगा, वेरी गुड। तो आपको ये कहना है टू लोअर डाउन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, या फॉर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या सो दैट इट डू नॉट फ्रीज। ऐसी कोई भी लैंग्वेज यूज करनी है, उसका मतलब यही आना चाहिए कि इथाइलीन ग्लाइकोल ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, और हिल्स में लो टेम्परेचर जहां होता है तो वो पेट्रोल फ्रीज नहीं होगा, या जो भी फ्यूल है वो फ्रीज नहीं होगा। ओके, पेट्रोल या फ्यूल या क्या कहना चाहिए, वो रेडिएटर में हीट वीट निकलती है ना, तो अगर वाटर ही रहेगा तो कार रेडिएटर उसे कूल करना ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर बट बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन वाटर। सहमत है, सही है गलत है? डेफिनेटली सही, क्योंकि जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आता है तो फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग करता है और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन करता है। तो अब आपको यहाँ आंसर क्या लिखना है, एक्सप्लेन कहा है, 2 नंबर का भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड इज ए इलेक्ट्रोलाइट एंड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। On adding non-volatile solute, freezing point decreases as decrease in vapor pressure, while boiling point increases. Again, reason तो वही है, क्योंकि vapor pressure कम है तो boil कराने के लिए ज्यादा pressure better. So sodium chloride is a non-volatile electrolyte. Therefore, on adding sodium chloride, vapor pressure of solution decreases, which decreases its freezing point and increases its boiling point. Next question, question number 5. At the same temperature, hydrogen is more soluble in water than helium. Which of them will have higher KH and why? So, ये question आपका Henry law का हो गया. KH is Henry constant. So, which has more Henry constant? ठीक है? So, आप very good विदेह का answer आ गया है. तो बेटा आपको क्या याद रखना है कि Henry constant और solubility inversely है. In general, very good. So, अगर हाइड्रोजन ज्यादा सॉल्युबल है तो उसका हेनरी कांस्टेंट कम है, हीलियम कम है तो उसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है। यहाँ क्या पूछा, विच ऑफ हायर वैल्यू, तो हीलियम विल बी आंसर। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम एक जनरल फॉर्मूला लगाते हैं, पी इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। और अगर हम कह रहे हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर है, दोनों के लिए प्रेशर 1 है मान लो, या वॉट एवर द प्रेशर, तो ये मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट आनी है, और इसीलिए KH और मोल फ्रैक्शन आपस में इनवर्सली आने हैं। तो जो चीज ज्यादा सॉल्युबल होगी उसका KH, जो चीज ज्यादा सॉल्युबल है KH कम, कम सॉल्युबल है KH ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर कोई डाउट है तो रेज योर हैंड या आस्क क्वेश्चन, नहीं तो इस बारी 1 टाइप कर दीजिए जल्दी से। पहले 5 क्वेश्चन थ्योरी के थे, कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए, और नहीं है तो 1 टाइप कर। कार्तिक, वेदही, अरुषि, 3 बच्चों का आंसर आ गया है। आज 4 के विजय प्रथम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गिव रीजन एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एनोक्सिया, इन दिस डिजीज दे बिकम वीक एंड कैन नॉट थिंक क्लियरली और प्रॉपरली। इसका रीजन देना है, आई होप सो सभी को इसका रीजन क्लियर है, वेरी गुड। तो आपका आंसर क्या है,
ड्यू टू लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, वेरी गुड, लेस ऑक्सीजन एंटर्स इन ब्लड या लेस ऑक्सीजन इन ब्लड एज वेल एज इन ब्रेन, एंड एज ब्रेन गेट लेस ऑक्सीजन इट कांट एबल टू थिंक प्रॉपरली एंड दिस रेस्टलेस कंडीशन इज नोन एज एनोक्सिया. तो आपको यहाँ बेसिकली लिखना है लेस एटमोस्फेयर प्रेशर, लेस ऑक्सीजन इन ब्लड, वेरी गुड. अब भैया आ गए सेवेंथ क्वेश्चन जो कि एक न्यूमेरिकल लग रहा है. अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम वाटर, 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल 90 ग्राम वाटर, द वेपर इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस, कैलकुलेट मोलर मास, ठीक है, सॉल्व करिए आप, यहाँ मोलर मास निकालना है. तो आप कह सकते हैं 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 90 ग्राम वाटर, शुरू का प्रेशर 3.64, बाद का प्रेशर 2.8, बाद का प्रेशर 2.8. ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और आपको अप्लाई कैसे करनी है, आपकी इच्छा है, आप ये फॉर्मूला अधिकतर लगाते हैं क्योंकि जब भी मोलर मास लगाना हो तो इसे ही लगा लेना चाहिए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो Na अपॉन Na प्लस N. और यहाँ पे हम जनरली Na नीचे वाला नेग्लेक्ट कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर बहुत जल्दी आ जाता है. पी नॉट है 3.64, पी है 2.8, फिर है 3.64 और 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल है, इसका मोलर मास ये आ गया, और 90 ग्राम वाटर है उसका मोलर मास ये आ गया. कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, 18 5 टाइम्स 90 होता है, 5 6 टाइम्स 30 होता है, तो मोलर मास जो आएगा दैट इज 3.64 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई, इसे माइनस ही कर लेते हैं हम, 4 ये आ गया, 16 में से 8 गया 8, है ना, 0.84, और पॉइंट से पॉइंट अगर हटा लें 84 टाइम्स 320 होता है, है ना, 84 टाइम्स 320 होता है, और ये 360 है, 330 340, थोड़ा सा ज़्यादा, 4.1 4.2, नहीं, और 6 × 4 = 24, यार ये तो बड़ा कम आया है. ओके लेट्स चेक द आंसर, 24, ठीक है, हमारा 24 है, बुकिश आंसर 26 है, और हमारा 4 point something मल्टीप्लाइड बाई 6 था, तो एग्जैक्ट अगर करते शायद 26 आता. सेवेंथ क्वेश्चन में किसी को डाउट है? हाँ बिल्कुल सही बेटा, एक पॉइंट हम ये भी भूल गए, हमने स्लाइटली अप्रोक्स किया था, नीचे वाला एन और ऐड करते तो शायद एग्जैक्ट आंसर 26 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.456 ग्राम ऑफ कैम्फर डिसॉल्व इन 31.8 ग्राम ऑफ एसीटोन, इफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पर 100 ग्राम, ध्यान देना इस वाले वर्ड को, पर 100 ग्राम इज इतना, ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के दो आंसर होते हैं, वेरी गुड, ठीक है बेटा, अगर एग्जैक्ट आंसर इतना है तो ये जरा याद रखना, ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, ये वैसे ना सही बताऊं ये सही में वर्ड गलत है, इट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, लेकिन उसने आगे दे दिया है 100 ग्राम वाला एलिवेशन कांस्टेंट दे रहा हूँ, 1000 ग्राम वाला नहीं दे रहा हूँ, 1000 ग्राम वाला एलिवेशन कांस्टेंट मोलल होता है, ये मोलर दे रखता है, तो अगर आप इसे मोलल में ही एग्जैक्ट चेंज करना चाहते हैं तो 1.7 लिखेंगे, 1.72, और इसमें चाहें तो इसमें कर, तो कैलकुलेट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एफ. तो यहाँ पे मैंने 100 लिया है 1000 की जगह, ठीक है, यहाँ मैंने 100 क्यों लिया है, क्योंकि ये पर 100 ग्राम वाला दे रखा है, पर 1000 ग्राम वाला देता तो मैं यहाँ 1000 लेता, तो यहाँ डेल्टा टी आपको निकालना है, 100 के बी आपका है 17.2, स्मॉल डब्ल्यू आपका है 0.456 और कैपिटल डब्ल्यू आपका है कितने ग्राम में बोला, 31.4,
और मॉलिकुलर वेट है 152। बेटा इस कैलकुलेशन में इसे पुटअप कर दीजिए, ठीक है, इस कैलकुलेशन में पुटअप कर दीजिए। एक बार अभी चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, निकाल जल्दी करिए बेटा, फाइनली टेल मी हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है जल्दी बताइए। ठीक है, क्लियर है, गुड। तो मैं इसलिए रुक गया था कि ये क्योंकि 100 ग्राम वाला क्वेश्चन में ट्विस्ट था और यूजुअली बच्चे यहाँ 1000 लिख के करते हैं, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि आप 100 और 1000 से करेंगे ये वैल्यू आपकी अलग अलग आएगी। ठीक है, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन ये है कि कैम्फर लिया गया है और उसे डिसॉल्व किया है एसीटोन में, तो ये रहा एसीटोन का सॉल्यूशन और ये है 31.4 ग्राम एसीटोन। इसमें हमने कैम्फर डिसॉल्व किया है 0.456 ग्राम और इसके बाद कहा है कि कैम्फर का मोलर मास हमें पता है दैट इज 152 और जब ऐड करेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो कह रहे हैं बताइए कितना एलिवेशन आ रहा है। इस क्वेश्चन में केबी जो एसीटोन का है वो डायरेक्ट नहीं दे रखा, मतलब जनरली केबी का मतलब होता है 1 मोलल सॉल्यूशन का एलिवेशन, जबकि यहाँ केबी उन्होंने पर 100 ग्राम दे रखा है, ये ट्विस्ट था। तो मैंने आपको शायद पढ़ाते समय बताया भी होगा कि दो तरह से केबी की वैल्यू पूछी या बताई जाती है, एक केबी बोल दिया जाता है 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए और एक केबी दिया जाता है 100 ग्राम के लिए, तो दोनों में 10 टाइम्स का रिलेशन है। अगर आप मोलल की वैल्यू, जैसे वाटर के लिए 0.52 है तो मोलर की वैल्यू जिसमें 10 टाइम्स ज्यादा आनी है वो 5.2 आएगी। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्विस्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी देखिए, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड इन 50 ml ऑफ बेंजीन, उसकी डेंसिटी दे रखी है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 टू 5.03, तो डेल्टा टीएफ दोनों को घटाएंगे तब आ जाएगा और केएफ बेंजीन का गिवन है और कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब हमें ये सोचना है यहाँ क्या जरूरत थी डेंसिटी की, ठीक है डेंसिटी की जरूरत है क्यों, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालनी होती है और मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक कह रहे हैं। तो इस डेंसिटी और इस वॉल्यूम से मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा और ये रहा मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें निकालना क्या रह गया, खाली क्वेश्चन तो इजी हो रहा है, हमें खाली निकालना रह गया बेटा, ठीक है, डायरेक्ट मोलर मास, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारा मोलर मास का, ठीक है मोलर, अरे यार मोलर मास इज इक्वल टू 1000 इंटू केबी, केबी शायद गिवन है 0.5 ना, कहाँ है 5.12 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, कितने ग्राम बोला गया है 0.643 ग्राम बोला है, अपॉन कैपिटल डब्ल्यू कितने ग्राम में बोला गया है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से ग्राम आ जाते हैं, इंटू डेल्टा टी, 5.5 में से 5.03 घटाना है तो शायद 0.48 आ जाएगा, वो आप कैलकुलेशन देखिएगा। आई होप सो इससे डायरेक्ट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, ये 50 है, आप सॉल्व करके बताएं। ठीक है हो जाएगा, है हटा दूं, डन, आप इसे कर लेंगे। और अब ये लास्ट ट्यूटोरियल है 4, इसको अभी हम रोक रहे हैं, ठीक है, तो 8 ही क्वेश्चन है वैसे ज्यादा नहीं, तो नेक्स्ट उसमें हम ट्यूटोरियल 4 करेंगे। और बेटा कोशिश यही करिए, मतलब इसको आप कहोगे तो मैं बताता भी रहूंगा कि एक दिन पहले मैं आपको कहूँ कि अगले 50 क्वेश्चन करने हैं, अगले 100 क्वेश्चन करने हैं, ईजी है तो ज्यादा कर लीजिए, आपका आगे का वर्कलोड कम होगा और हम लाइन टू लाइन कर रहे हैं जिससे कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो अभी तो मैंने क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे तो सारे डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके बाद ये जो आएंगे ये भी थ्योरेटिकल हैं, चलिए ये भी कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे
तो हम सीधा कहेंगे पहले 10 में प्रॉब्लम बताओ, अगले 10 में प्रॉब्लम बताओ, अगले 10 में ऐसे करके। तो रोज आप मैक्सिमम 20 30 40 क्वेश्चन वॉट एवर योर एफिशिएंसी करिए, और हम हर 10 में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैचेस अल्टरनेट डेज पे होंगे ही होंगे, तो आप इसको उसमें मत लीजिए। दैट मीन्स बैच है, प्रॉब्लम करनी है, प्रॉब्लम करके लानी है, ठीक है। नाउ अब मैं बेटा, जो बच्चे जाना चाहें मीटिंग से चले जाएं, क्योंकि अब मैं प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा। ये गलत खुल गया है बेटा, दैट इज ओके। एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजा था मुझे, क्वेश्चंस भेजे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, वो भी अभी बता के खत्म करते, ठीक है। तो अगर ये खुल जाता है अभी, तो अभी ही डिस्कस हो जाएगा। ओके बेटा, अविशी आप ही ने भेजे थे शायद क्वेश्चन, तो यार ये बहुत नीचे चले जाते हैं, दोबारा भेज दिया गुरु, पता नहीं कहाँ चले गए। अरुषी सात्विक शिवम कुछ को पता नहीं कितना है। यार ये प्रभु ये कटेगा कहां से यार। भाई काम कर रही है यार ये, एक सेकंड लो सर, दोबारा फोटो भेज दी सीधा करके, एक बार आप देख लीजिए। हाँ मैं वैसे वापस तो ले जाऊं, ये वापस भी तो जाने होते हैं ना, हो रहा क्या विषय, ओके ये आ गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 74 75 77 और 82, ये आपने शायद पूछे हैं ना, बताइए बेटा कौन सा बताना है पहले, जल्दी बोलिए। तो 74। अच्छा यही सारे ही हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन मिक्सिंग बाय 100 ml ऑफ दिस एंड 1.5% यूरिया एंड 100 ml ऑफ दिस वन। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, चलिए बेटा पहला पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो पाई इक्वल्स टू सीएफटी के अलावा हमारे पास कोई फार्मूला है ही नहीं, और हमें इससे मतलब नहीं होता कि ये कंसेंट्रेशन किस चीज की है, यूरिया की है इसकी उसकी, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कंसेंट्रेशन चाहिए। कंसेंट्रेशन या मोलैरिटी है, अगर दो सोल्यूशन मिलाएंगे तो दोनों के मोल्स एड, मतलब फाइनल मोलैरिटी निकालनी है। अगर एक सोल्यूशन वन है एक टू है, इन्हें ऐड करके रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारा बन रहा है, तो वन की मोलैरिटी यानी वन में जो मोल्स है m1 v1 होंगे मोल, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, टू की मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और बाद की मोलैरिटी आ जाएगी, यानी बाद की मोलैरिटी ऐसे होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली ये मोल्स ऑफ फर्स्ट है, मोल्स ऑफ सेकंड है, ये फाइनल मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइनल मोल्स हम निकाल लेंगे या फाइनल मोलैरिटी आ गई। अब आपको परसेंटेज में दे रखा है लेकिन डेंसिटी नहीं दे रखी, डेंसिटी अगर गिवन होती तो फॉर्मूला होता है 10 dx/molecular weight, डेंसिटी नहीं दे रखी तो 10x/molecular weight, ठीक है, इंटू वी वन प्लस 10x/molecular weight इंटू वी टू, ठीक है, इक्वल्स टू ये डायरेक्ट मोलैरिटी निकालनी है, ये वैसे ही रखना है आपने वी वन प्लस वी टू, ठीक है बेटा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x अलग अलग है, मोलिकुलर वेट अलग अलग है, ये वन है ये कोई टू है, और ये वन है ये कोई टू है। अब यहाँ वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, ये क्या हुआ, ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है 100 ml
1.5% और फिर 100 ml 3.42% 1.5% यूरिया। ठीक है, अब बेटा मेरे को लग रहा है आप कर लोगे। ठीक है, यस सर, कर लेंगे ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 75th, 3 gram ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ लीटर ऑफ वाटर, शोज अ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 bar, कैलकुलेट मोल। बेटा मोलर मास निकालना है बेटा, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं, एक बार चेक करता हूँ। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो फाई इक्वल्स टू सी एस सी फॉर्मूला है, फाई इक्वल्स टू सी की जगह वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू एस इंटू टी है, और सॉरी वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1/वॉल्यूम इन लीटर, पूरी मोलैरिटी है। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज डब्ल्यू इंटू एस इंटू टी अपॉन फाई इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। तो वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट 3 gram था, एस 0.08 होता है, टेम्परेचर शायद 300 ही होगा, आई होप सो। टेम्परेचर है इसमें मेरे बच्चे क्या है, टेम्परेचर 300 है, प्रेशर 2 bar है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे, कुछ गलती होगी फिर भी। टेम्परेचर 300, प्रेशर 2 bar, वॉल्यूम 1 liter ही था, है ना, वॉल्यूम 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 1 liter यानी 1 liter। अच्छा, 2 से 0.04, बल्कि ये मल्टीप्लाई था, इन दोनों का मल्टीप्लाई 24.6 होता है, 24 को 12.3 लिख लो, 12 3 36। भैया मैंने एकदम डायरेक्ट जो दिख रहा है मुझे आंसर, वो 77 का या 75 का 36, हाँ ठीक है बेटा, क्या दिक्कत आई 75 में पूछिए, क्या समझ में आ गया तो आगे बढ़े। सर समझ में आ गया। चलिए 77, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विद 2% ग्लूकोज। अब इसमें भी क्या करना, कुछ भी, 10.2 लीटर ऑफ ग्लिसरीन बेटा ये होता है कि अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं तो कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, क्योंकि आइसोटोनिक मतलब प्रेशर सेम होना, और कंसंट्रेशन सेम है तो C1 इज इक्वल टू C2, N1 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन V2, मोलैरिटी सेम करनी। तो एक है 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन है शायद, है ना, 77, 10.2 ग्राम ग्लिसरीन इन 1 liter है, तो 10.2 ग्राम अपॉन मोलर मास और वॉल्यूम इन लीटर 1 है, बस इतना ही हो गया, इज इक्वल टू यहाँ कितने परसेंट से है, ठीक है, यहाँ ये कितने परसेंट के साथ था, आइसोटोनिक वेट 2% ऑफ ग्लूकोज, तो 2 gram हो गया, मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का 180 हो गया, परसेंटेज 100 में होती है, तो इसलिए ये है। और यहाँ से मोलर मास निकालेंगे, 10.2 मल्टीप्लाइड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई कुछ नहीं डिवाइड बाई 20, ठीक है, तो ये 9 कर लेते हैं, यस सर हो जाएगा 90, नियरली ऐसा कुछ आएगा, तो ये हो गया आपका 77, एग्जैक्ट आंसर भी आ रहा है। 82, a solution of an organic compound is prepared by dissolving 34.2 gram in 500 gram water. Calculate the molar, the molecular mass of a compound and the freezing point. क्या दिक्कत है बेटा? 34.2 gram है in 500 gram water है। पहले जो given है उसे लिख को आपका अपने आप दिमाग चलने लगेगा। चलो 34.2 gram non-volatile solute इन 500 ग्राम वाटर, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक चीज और दे रखी थी, 500 ग्राम कैलकुलेट मोलर मास फ्रीजिंग पॉइंट, जो निकालना निकाल लो, और यहाँ इन्होंने दे रखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 100.14, दैट इज एलिवेशन मिल गया, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एलिवेशन मिल गया, Kf दे रखा है और Kb दे रखा है, तो डेल्टा टी आपको मिल गया 0.14, बस डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी ना,
और मोलैलिटी में ये वेट है, ये वेट है, तो मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्यूट आ जाएगा। तो डेल्टा टी भी आप रखेंगे 0.14, के भी के लिए रख रहे हैं अभी तो 0.52। मोलैलिटी होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी मोल्स बनाने हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू 500। यहाँ से सबसे पहले मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट आते ही ये पूरा टर्म हमें पता चल गया, जिसको हम कह रहे हैं मोलैलिटी पता लग गई। फिर फॉर्मूला यही दोबारा लिख दिया, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी पता लग गई, यहाँ रखेंगे के एफ 1.87 दे रखा है, यहाँ रखेंगे, इस मल्टीप्लाई से फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन आएगा, 273 से उसे घटा देंगे, क्योंकि उसने बाद का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना, उसने शायद पूछा है कैलकुलेट मोलर मास एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बाद का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा मतलब 273 से घटा के आंसर लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 82, देखो दो आंसर है, ठीक है, इन्होंने डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो माइनस में दिया है, नहीं 342 आंसर आया, समझ में? यस सर। और कोई बच्चा कोई क्वेश्चन भेज रहा है, कोई है बच्चा और? ओके आदित्य, अरुषि, अविषि एंड प्रथम, कोई और क्वेश्चन भेज रहा है आप चारों में से? नो सर। चलिए, हैव ए नाइस डे।